में इस वक्त बहुत सियासी हलचल पैदा हो चुकी है। जनवरी तक कहा था कि हुकूमत चली जाएगी अपोजिशन रहनुमाओं ने। इस हवाले से राणा सनाउल्लाह का कहना है कि 13 दिसंबर का जलसा डिसाइसिव होगा। कमरुज़्ज़मान कायरा भी उनके साथ मौजूद थे। उनका यह कहना था कि हमारी सियासत में गालिब गलोच नहीं था, लेकिन पीटीआई को यह शर्त हासिल है कि उन्होंने हमारी सियासत में गालिब गलोच को जो है इंट्रोड्यूस दोबारा करवाया। यहाँ पर एक बात बहुत अहम है कि 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से रैलीज का भी आगाज़ हो चुका है। पूरे मुल्क का टेम्परेचर हाई हो चुका है। हुकूमत ये कहती है कि उन्हें इस जलसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हर उस जगह पे जहां पे इस जलसे का जिक्र करने की जरूरत नहीं है वहां पे भी इसका जिक्र कर रहे हैं। आज उन्होंने तर्जुमानों का इजलास भी तलब किया जिसके अंदर उन्होंने इस जलसे के हवाले से हुकूमती पॉलिसी पेश की। बिलाशुबा हुकूमत पर इस वक्त प्रेशर महसूस हो रहा है क्योंकि सिलेक्टर्स जिनके हवाले से बात की जाती है एस्टेब्लिशमेंट वो भी बहुत परेशान है। अदादोशुमार जो भी बताएं आम आदमी की आवाज़ यही है कि इमरान खान नाकाम हो चुके हैं, अब री इलेक्शन की तरफ जाना होगा। अगर अपोजिशन ने इस्तीफ़ा दिया तो इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात करवाए जाएं, क्योंकि लॉन्ग मार्च अगर अपोजिशन करती है तो इसको काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।